नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई, तितली के पंख देखे हैं आपने, क्या तितली के पंख और बैट के जो पंख हैं, बैट के जो पंख हैं, ठीक है, जो चमगादड़ देखिए, चमगादड़ के जो पंख हैं, विंग हैं, बी कंसिडर्ड होमोलोगस ऑर्गन्स, क्या वो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, वाई और वाई नॉट, आंसर लिखना है नो, ठीक है, नहीं, द विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनालोगस ऑर्गन्स, कह रहे हैं कि जो विंग्स हैं बैट के और बटरफ्लाई के, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, एनालोगस ऑर्गन्स के, बिकॉज एनालोगस ऑर्गन्स आर दोज, एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गन्स हैं विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, जिनका जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, जिनका सेम फंक्शन है. So the wings of bat and butterfly are used to perform the same function of flying. कह रहे कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि बैट और बटरफ्लाई जो हैं वो अपने विंग्स को यूज़ करते हैं फ्लाइंग के लिए, मतलब उनके सेम फंक्शन हैं, ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उनका डिफरेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर फॉसिल्स, एक्चुअली ये काट दिया गया है सिलेबस में से, ये सिलेबस में नहीं आएगा आपके, ठीक है, फॉसिल्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है. वाई आर ह्यूमन बींग्स आर लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ अ साइज, कलर एंड लुक्स सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, कह रहे कि ह्यूमन बींग्स जो कि एक दूसरे से जो है वो भिन्न नज़र आते हैं, अलग नज़र आते हैं, क्यों जो है उनका साइज कलर और उनकी जो लुक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, इवन कि उनकी सेम स्पीशीज होती हैं. सो आंसर लिखना है, सो डीएनए स्टडीज हैव शोन दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, जो डीएनए स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम, हर एक की सेल में जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. ऑल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, सभी जो है वो कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं. दे इंटरप्रीट अमंग देमसेल्व्स, वो सभी जो है वो आपस में इंटरप्रीट करते हैं, ठीक है. हम लोग जो है सब जो सब में जो है इंटरप्रीटिंग होती है सेम स्पीशीज में, टू प्रोड्यूस द फर्टाइल यंग वंस ऑफ देयर काइंड, कह रहे अपने ही तरह के फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स कैन वी से विच अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर्स, फिश एंड चिंपैंजी हैव अ बेटर बॉडी डिजाइन, वाई और वाई नॉट, आंसर चिंपैंजी हैव बेटर बॉडी डिजाइन एज कम्पेयर टू द अदर मैंशनड बैक्टीरिया, स्पाइडर एंड फिश, कह रहे चिंपैंजी का जो है बॉडी डिज़ाइन बड़ा यूनिक सा होता है, डिफरेंट सा होता है बाकी जो है उनसे, जैसे कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, बैक्टीरिया की बात कर लो, स्पाइडर की, फिश की, इन सबके जो बॉडी डिज़ाइन हैं वो सबके डिफरेंट हैं, बट चिंपैंजी का बॉडी डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. चिंपैंजी जो है वो अडेप्ट है, वो लोकोमोशन कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, वो बात कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, इवन कि थिंकिंग भी उसमें है, वो सोच भी सकता है. अ स्टडी फाउंड दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज, एक स्टडी जो है उसमें देखा गया कि ऐसे बच्चे जिनकी आँखों का रंग जो है वो लाइट है, Children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी आँखों का रंग जो है वो लाइट है, उनके पेरेंट्स का रंग भी ऐसा ही होता है आँखों का. On the basis, can we say anything about whether the light eye, कह रहे कि इस basis पे हम क्या कह सकते हैं, आंसर लाइट कलर्ड आई ट्रेट इज डोमिनेंट, कह रहे कि लाइट आई कलर्ड ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होता है. इट कैन पास फ्रॉम एग्जिस्टिंग जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये एग्जिस्टिंग जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है. इफ़ द ट्रेट इज रिसेसिव देन इट विड नॉट अपेयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, अगर ट्रेट जो है वो रिसेसिव है तो ये अपीयर नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में. सो द स्टडी ऑफ द फैक्ट दैट The children with light colored eye are likely to have parents with the light colored eye. कह रहे कि ऐसे बच्चे जिनकी आँखों का रंग जो है वो लाइट है, उनके पेरेंट्स का रंग भी ऐसा ही होगा. By this study we can say that trait is dominant. तो इसमें हम कह सकते हैं कि trait जो है वो dominant है. डोमिनेंट कैसे है, अगर पेरेंट्स जो हैं, ठीक है सुनिए आप इस चीज़ को, अगर पेरेंट्स की आई बॉल्स का रंग ब्लैक है तो बच्चों का रंग ब्लैक होगा, अगर आई बॉल्स का कलर जो है वो ब्लू है बच्चों का रंग ब्लू होगा. तो हम बोल सकते हैं ना उस केस में कि ब्लू और ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेंट है.
अगर सपोज करो पेरेंट्स का आइज़ का कलर जो है वो ब्लू है और बच्चों का आइज़ का कलर जो है वो ब्लैक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ब्लू कलर जो है वो डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, मतलब जो पेरेंट्स का करैक्टर है अगर वो बच्चों में दिखने लग जाए तो इसका मतलब कि जो करैक्टर हैं, जो ट्रेट आपको दिख रहा है वो डोमिनेंट है। अगर वो नहीं दिखता है तो इट मीन्स क्या है कि वो रिसेसिव है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एरियाज ऑफ स्टडी एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटर रिलेटेड, कि जो एवोल्यूशन है और जो क्लासिफिकेशन है वो आपस में इंटर रिलेटेड क्यों है। द एरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन आर इंटरलिंक्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स आर शेयर्ड बाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स शेयर करते हैं। सेल डिज़ाइन ऑल्सो इंडिकेट देयर रिलेशनशिप, सेल डिज़ाइन जो है वो भी इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप को। ग्रुप्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन आर रिलेटेड टू देयर सिमिलैरिटीज, ऐसे ग्रुप्स जो कि क्लासिफिकेशन के दौरान जो हैं वो बनते हैं वो रिलेटेड होते हैं सिमिलैरिटीज़ के। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जाम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट विल ऑल्सो कम इन द एग्जाम्स। ठीक है, ये एग्जाम्स में आता ही है, हमेशा आता है होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है ये आपने सभी ने नोट्स में से करना है। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स, डॉग्स में कोट कलर को जो है एग्जामाइन करना है। ठीक है, एक तरफ आपने जो है वो डॉग ये लिखा है ना, डॉग विद ब्लैक कोट कलर, जो ब्लैक कोट कलर है यानी कि ऐसे डॉग्स लेने हैं जिनके जो उनके जो फर होती है, ठीक है, उनके जो हेयर्स होते हैं उनका रंग जो है वो ब्लैक होना चाहिए, तो हम कैपिटल बी लिख लेंगे और ब्लैक को अपने डोमिनेंट ट्रेट लेना है। ठीक है, डोमिनेंट लेना है। देन दूसरी तरफ आपने ऐसे डॉग लेने हैं जिनका जो है वो वाइट कोट कलर है। ठीक है, वाइट कोट कलर के ले लिए आपने। अब इनको क्रॉस किया आपने, क्रॉस करने का मेथड मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। F1 जनरेशन में आप देखोगे कि डॉग विद ब्लैक कोट कलर, सभी डॉग्स जो हैं वो किसके हैं, ब्लैक कोट कलर के हैं। यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे WW है तो यहाँ पे भी तो W है, ठीक है, तो इसमें वाइट क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि ब्लैक जो है वो क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, वाइट के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे जो है डॉग विद ब्लैक कोट कलर आएगा। देन उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इट इज़ ट्रू दैट इन द एनालिसिस ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर फॉसिल्स हेल्प अस टू मेक आइडियाज अबाउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये जो है वो आपको फॉसिल्स का क्वेश्चन जो है वो कट करना है क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगा, फॉसिल्स का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ का भी कुछ नहीं आएगा, फॉसिल्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वाइबल वेरिएशंस देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ डज दिस अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आने हैं आपके। एक ये इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब फ्यूजन होती है गैमेट्स की, जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द न्यू ऑफस्प्रिंग, जीन्स जो हैं दोनों पेरेंट्स के वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स वेरिएशन, जिससे जो है वो वेरिएशंस आती है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज, जिससे जो है स्पीशीज में एवोल्यूशन होता है। द ऑफस्प्रिंग्स आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बेटर अडेप्टेड होते हैं एनवायरमेंट के। ऑन द अदर हैंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम टाइप ऑफ जीन्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी तरफ देखें तो सेम टाइप्स के जीन्स जो हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। हैंस देयर इज़ नो वेरिएशन एंड ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज क्लोन्स। ये एक्चुअली होता क्या है कि एक तरफ होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल जो है वो भी डिफरेंट है, फीमेल्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, और उनसे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफ स्प्रिंग्स उनमें एवोल्यूशन होती है। ठीक है,
दूसरी तरफ हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इनकी जितनी भी प्रोजेनिज बनेगी, जितनी भी इनके आगे जो है वो प्रोजेनिज बनेंगी, बच्चे होंगे इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो इनके आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो इनके क्या होंगे, क्लोन्स होंगे। क्या होंगे? क्लोन्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्लोन्स बनते हैं, इसमें एवोल्यूशन नहीं होती। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होते हैं, क्लोन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। कह रहे कि जैसे हमने अभी पीछे पीछे पढ़ा कि 50% मेल के करेक्टर्स होते हैं, 50% फीमेल के करेक्टर्स होते हैं, तो कह रहे कि ऐसे क्यों होता है कि इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मेल और फीमेल पेरेंट्स की वो प्रोजेनी में कैसे आ जाती है। तो आंसर करना है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्यूज़न होती है गैमेट्स की, फ्यूज़न होती है गैमेट्स की, गैमेट्स होते हैं जैसे कि स्पर्म्स होते हैं ठीक है, मेल्स के होते हैं, ओवा होते हैं फीमेल के होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। स्पर्म्स के पास मेल्स का जो है वो हैप्लोइड नंबर होता है, ओवा के पास जो है वो फीमेल्स का हैप्लोइड नंबर होता है, तो दोनों से जो ज़ाइगोट बनता है 2n, उसमें 50% करेक्टर्स जो हैं वो उसके मेल्स के होते हैं और 50% करेक्टर्स जो हैं ज़ाइगोट में फीमेल के होते हैं। इसलिए जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एन जो है वो किससे आएगा, ये मेल से आएगा, और दूसरा एन किससे आएगा, फीमेल से आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैविंग हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बिलोंगिंग टू द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा ये। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट। कह रहे कि ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन, येस द ऑर्गेनिजम्स विद यूजफुल वेरिएशन विल अडेप्ट एंड सर्वाइव। कह रहे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूजफुल वेरिएशन, जिनमें वेरिएशन आई है और वो वेरिएशन के उनके लिए बहुत यूजफुल है, ऑर्गेनिजम्स में जिनमें वो वेरिएशन आई है, हमारे पास 10 ऑर्गेनिजम्स हैं, 10 ऑर्गेनिजम्स में कोई वेरिएशन आई है तो वेरिएशन जो है वो उनके लिए यूजफुल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वेरिएशन की वजह से वो एनवायरमेंट में अडेप्ट भी कर पा रहे हैं, सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। मोर ओवर दे लीव बिहाइंड मोर ऑफस्प्रिंग्स एंड पॉपुलेशंस विद सच जेनेटिक वेरिएशन विल सर्वाइव। कह रहे हैं कि इसको समझने के लिए आपको एक बताती हूँ बात, कह रहे कि ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। ये एक स्टेटमेंट है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेरिएशंस आ जाती हैं सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, और जिन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन नहीं आ पाती है वो उसी एनवायरमेंट में जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि यस, जो ऑर्गेनिज्म जो जिनमें वेरिएशंस आती हैं, यूजफुल वेरिएशंस आती हैं, वही ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो अडेप्ट कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, अगर वो वेरिएशंस उनमें ना आए तो वो किल हो जाते हैं, नेचर उनको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जैसे ही उन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आती हैं और ऐसे ही बहुत सारी जो हैं ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन होती हैं, और ऑफस्प्रिंग जब बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हो जाते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन का जो है वो पॉपुलेशन बनती है, तो जिससे जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, तो ये सारे जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का लेसन जो है वो आपका फिनिश होता है।